और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा, और हम मानेंगे ही नहीं चाहे हमारे प्राण चले जाएं, जब तक हम भारत में राम राज्य की स्थापना का संकल्प पूरा नहीं करेंगे, हम काम और सेवा करते ही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे, चाहे जो हो जाए, जो हनुमान जी हमसे करवाएंगे हम करेंगे, हम कुछ थोड़ी करते, करने वाले कौन है, हम तो नालायक आदमी है, अनपढ़ गवां पिछड़े बिछड़े आदमी हैं, हम बहुत ही धूर्त और मूर्ख हैं, निकम्मा हैं, लेकिन जैसे भी हैं हनुमान जी के चरणों के दास हैं। और तुमसे भी कहते हैं बिहार के पागलों, अब तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, अब तुम्हें जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा, तो हमारी एक बात को भर मान लो, आज के बाद घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो, घर के बाहर झंडा लगाओ, और आपको बागेश्वर धाम आने की भी आवश्यकता नहीं है, आपके घर पर ही बागेश्वर धाम है। हमारे नाम से, मिलने के नाम से किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें, दरबार निशुल्क था है, और जब तक इस तन में प्राण रहेंगे तब तक बागेश्वर धाम का दरबार निशुल्क रहेगा। और इन बातों में भी मत पड़ा करो कि गुरुजी वीआईपी लोगों से मिले, अभी एक जने छाप रहे थे गुरुजी वीआईपी लोगों से, देखो कथा यजमान से मिलना हमारी मजबूरी है, लेकिन दरबार तो सबके लिए ही है, जैसे हम कल थे वैसे आज हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वैसे ही रहेंगे। और एक बात बोले बिहार के लोगों, आज से तुम हमारे हैं और हम तुम्हारे हैं, बस दवा काम नहीं कर रही, पर्चा नहीं बन पा रहा, मिल नहीं पा रहा, नाराज ना हो, मुंह मत फुलाओ रसगुल्ला से, अब क्या करें, हमारा भी तो बुढ़ापा आ गया है, अब पहले खूब जवानी थी तो मेहनत कर लेते थे, अब बुढ़ापा आ गया, ज्यादा मेहनत करो तो आंखें कहने लगती, गुरु जी सो जा, पेट कहने लगता रसगुल्ला ले आ, फिर भी हम लगे हैं कि नहीं नहीं जितनी सेवा हो जाए सो हो जाए। एक बात बोले हम एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे, ये हमारा पक्का वचन है। अब जो जहां खड़े हैं बैठ जाओ, अगर दरबार देखो आप लोग नहीं बैठ रहे, तुम लोग बहुत खतरनाक के झंडा को गाड़ने के लिए बागेश्वर बालाजी ने शक्ति दी है, और धन्य है बागेश्वर बालाजी की महिमा, क्या भारत और क्या विदेश, अब तो अंग्रेज भी जो दिन भर हाउ डू यू करते थे वो भी सीताराम कर रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा, और हम मानेंगे ही नहीं चाहे हमारे प्राण चले जाएं, जब तक हम भारत में राम राज्य की स्थापना का संकल्प पूरा नहीं करेंगे, हम काम और सेवा करते ही रहेंगे।